राजस्थान का साहित्य सबसे पहले है भाषा का विकास। आर्य जो लोग थे वो वैदिक संस्कृत से रिलेटेड थे और उसको आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला पाली, ये बोलने के रूप में, और संस्कृत लिखने के लिए यूज़ होती थी। जो पाली है वो आगे शोरसेनी, महाराष्ट्र और मगधी प्राकृत में चेंज हुई। ये सारी प्राकृत में ही काउंट होती हैं। नेक्स्ट जो शोरसेनी थी वो गुर्जरी अपभ्रंश और शोरसेनी अपभ्रंश में हुई। अपभ्रंश जो मिक्सचर होता है उसके लिए अपभ्रंश वर्ड का यूज़ किया जाता है। सो गुर्जरी और शोरसेनी, तो गुर्जरी से हमारी राजस्थानी और गुजराती निकली और शोरसेनी से हिंदी। अब राजस्थानी भी आगे दो भाषाओं में है। इस पर थोड़ा जो ब्रज भाषा है उसका भी इफेक्ट है। पहली है डिंगल, दूसरी है पिंगल। जो पश्चिमी राज्य है वहाँ डिंगल और पूर्वी राज्यों में पिंगल राजस्थानी भाषा बोली जाती है। ये राजस्थानी और ब्रज दोनों का ही एक रूप है। नेक्स्ट है उद्योतन सूरी ने 8वीं शताब्दी में कुवल्यमाला नामक पुस्तक लिखी थी। इसमें 18 भाषाओं का वर्णन है जिनमें मरु भाषा भी शामिल है। ये कवि रूप में इन्होंने अपने बारे में इसमें बताया। अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आयन अकबरी में मारवाड़ी भाषा का उल्लेख किया है और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में 1912 में राजस्थानी भाषा का भी वर्णन वहाँ पे किया हुआ है। अब थोड़े बात कर लेते हैं राजस्थानी भोजपुरी बोटी। ये अभी सरकार इसको मान्यता देगी। लेखक और पुस्तक के नाम देख लेते हैं। प्रसिद्ध जो सूरी हैं वो भरतेश्वर बाहुबली घोर राजस्थान के सबसे प्राचीनतम किताब के रचयिता हैं। उसके बाद शालीभद्र सूरी, ये भरतेश्वर बाहुबली रास, ये 1184 में बनी। सन या वर्ष या साल बताने वाली सबसे प्राचीन पुस्तक है ये। नयन चंद सूरी, हमीर महाकाव्य इन्होंने लिखा। सारंग थर, इन्होंने हमीर रासो लिखा। जोधराज, नीमराना के राजा चंद्रभान के दरबार में ये था। हमीर रासो अहिरवाटी भाषा में लिखी गई है और ये यादव द्वारा लिखी गई कोटपुतली, ये जयपुर और बैरोड़ अलवर मुंडवर में बोली जाती है ये वाली भाषा। नेक्स्ट है गिरधर आसियां, ये सगत सिंह रासो यानी कि महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह का इसमें वर्णन है। दलपत विजय, खुमान रासो वापा रावल से लेकर राज सिंह तक का इसमें वर्णन है। दयाल, राणा रासो भापा रावल से लेकर जयसिंह तक का इसमें वर्णन है। नेक्स्ट लेखक है नल सिंह, इनका इनकी पुस्तक है विजयपाल रासो, ये ब्यानर के राजा विजयपाल का इसमें वर्णन है, ब्यावर है ये। डूंगर सिंह, ये शत्रुसाल रासो बूंदी के राजा शत्रुसाल का इसमें वर्णन है। दुर्सा आडा अकबर के दरबार में थे। विरुद्ध छतहरी, किरतार बावनी प्रताप के तालुकित में, ये 76 उपाधियों का इसमें वर्णन किया है, दोहे लिखे हुए हैं। कवि कल्लोल, ढोला मारू का दुल्हा ये इसमें लिखा हुआ है। कुशल लाभ, जैसलमेर के राजा हर राज के दरबार में ये काम करते थे, ढोला मारू की चौपाई इन्होंने लिखी हुई है। केशव दास गाडवा गाडर गज सिंह का दरबारी था जो कि मारवाड़ का था। उसके बाद इन्होंने गजगुण रूपक यानी कि गज सिंह पर लिखी और अमर सिंह जी का दूहा ये बेटे अमर सिंह पर लिखी। जगजीवन भट्ट, ये अजीतोदय जोधपुर के राजा अजीत सिंह का वर्णन है इसमें। फिर है जग्गा खिड़िया, यहाँ वर्चनिका राठौर रतन सिंह मोहस सोतरी रतन रासो, रतन से रिलेटेड जहाँ भी आ गया तो जग्गा खिड़िया है, ठीक है। रतलाम का ये राजा था और गर्मन से युद्ध में ही हार गया था। नेक्स्ट है कृपाराज खिड़िया, ये सीकर के राजा लक्ष्मण सिंह के दरबारी थे। पुस्तक इनकी थी रजियारा दुहा और कृपाराज का ही ये नौकर था। नेक्स्ट है कृपाराम जी का खेतसी साधु भाषा भारत, ये महाभारत का डिंगल अनुवाद है इसमें। मुरारी दास जोधपुर राजा जसवंत सिंह सेकंड के दरबारी थे। जसवंत जसो भूषण, अलंकारों का अधिकतम इसमें प्रयोग किया गया है। जान कवि नियामत खां फतेहपुर के कायम खानी नवाब थे, इन्होंने कायम रासो लिखा। इसके बाद श्रीधर ये रणमल छंद इसमें लिखा गया है, इधर का राजा है ये। जोगीदास हरि पिंगल प्रबंध प्रतापगढ़ के राजा हरि सिंह का इसमें वर्णन मिलता है। उमरदान, इन्होंने दादूपंथी साधुओं की आलोचना की थी और 56 के अकाल का वर्णन किया है। अमलरा औगण डारूरा दोस और भजन की महिमा ये इन्होंने लिखी है इसमें।
नेक्स्ट आधुनिक राजस्थानी साहित्य में सबसे पहले हैं सूर्यमल मिश्र, ये बूंदी के राजा राम सिंह सेकंड के दरबारी थे। इन्होंने वंश भास्कर, वीर सतसई, बलवंत विलास, सतीरासो, छंद मयूख और राम रंजार लिखे। कन्हैया लाल सेठिया ने पायल और पील, धरती धुरारी, कुंकू, मिंजर और निग्रंथ लिखा है। ये जो कुंकू है वो कुमकुम से है और मिंजर ये भादवे की बरसात के बारे में इसमें लिखा है। विजयदान दैया बिजी भी बोलते हैं जिन्हें, बातानी फुलवारी, इसके 14 कुछ भाग हैं। दुविधा, ये पहली फिल्म भी बनी हुई है इस पर। तीड़ा मारो बदलो और मारो बदलो और लेखू हिटलर, लाजवंती, सपन प्रिया और अंतराल। लक्ष्मी कुमारी चंदावत ये कांग्रेस अध्यक्ष रही हैं और फ्रांसिस टफ्ट ने कुछ लक्ष्मी कुमारी चंदावत की जीवनी लिखी है। नाम है फ्रॉम पर्डर टू पीपल। और मांदतराज कैरे चकवा बात, तापरारी बाता, अमोलक बाता, गिर ऊंचा ऊंचा गड्ढा, ये इसी में माने जाते हैं। इनके द्वारा लिखी गई बुक्स हैं ये। श्रीलाल नथमल जोशी, एक बिंदनी दो बींद, परनियोरी कुमारी, दोरानी धोरी, आभा पटकी, सबड़का, मैदी कनीर और गुलाब, ये इन्होंने लिखा। यादवेंद्र शर्मा चंद्र बीकानेर के हैं। इन्होंने राजस्थान के सामंती अदीत पर किताबें लिखी थी। हूँ गोरी किण पीवरी, खम्बा अन्नदाता जनानी, ड्योडी, त्यार घोड़ो का सवार, नमारो तासरोधर, मेहंदी के फूल, ये इन्होंने लिखा। नारायण सिंह भाटी, मीरा परमवीर, बरसाना जिंगोड़ा, दुर्गादास ओलियू, ये लांगे, ये इन्होंने बुक्स लिखी। रांगे राघव, घरौंदे, मुर्दा रेत का टीला, कब तक पुकारूं, आखिरी आवाज़ पर काका, ये वाली बुक्स लिखी। शिवचंद्र भरतिया आधुनिक राजस्थानी का पहला साहित्यकार है। कनक सुंदर, केसर विलास, विश्रांत प्रवास, ये उपन्यास, नाटक और कहानी इन्होंने लिखी है। चंद्र सिंह बिरकाली, ये प्रकृति का चित्र इन्होंने अधिक किया है। लू, बादल, सांझ, कह, ये सब कुछ चंद्रमा चंद्र सिंह बिरकाली ने किए। जहूर खां मेहर ने राजस्थानी संस्कृति, अर्जुन आके आँख, धर मंजला घर कोसा, ये लिखा। गौरी शंकर, ये रोहिड़ा सिरोही के हैं, हरिचंद में मुझा। और प्राचीन लिपिमाला, राजपूताने का इतिहास, जेम्स टॉड का जीवन इन्होंने लिखा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था, ये मेरी बुक लिखी। मणि मधुपग के फेरों सफ़ेद में मैंने, सोजती गेट, अलीजा धरा आजियो, ये लिखा। रेवतदान चारण, नेहरू ने ओलमो वर्खा वेणी, इन्होंने सामंती शोषण के खिलाफ लिखा था। सत्यप्रकाश जोशी, राधा युद्ध विरोधी काव्य, महाभारत का युद्ध रोकने के लिए, बोल भारमली, महिला शक्तिकरण के लिए इन्होंने लिखा। राजस्थान साहित्य के जो प्रकार हैं वो पढ़ते हैं। पहला है ख्यात, संस्कृत के ख्याति शब्द से ये बना, जिसका अर्थ है प्रसिद्धि या लोकप्रियता। इनमें किसी राजवंश की उपलब्धि की जानकारी मिलती है। उदाहरण, मुंडियर जी ख्यात, यह पुस्तक मारवाड़ के राठौड़ वंश के बारे में है। इसमें मुगल मारवाड़ वैवाहिक संबंधों का विवरण है। नेक्स्ट है वात। वात का अर्थ होता है कहानी। किसी ऐतिहासिक एवं पौराणिक पात्र की कहानियों को वात कहते हैं। जिससे अपने कहते हैं कि बात कर रहे हैं, वैसे ये वात है। उसमें उपलब्धियों का वर्णन होता है। जैसे उदाहरण है पद्मनाभ, ये वीरम देव सोमग्रग्नि बात इसमें लिखी गई है। फिर नेक्स्ट है वचनिका। इन ग्रंथों में किसी महापुरुष या किसी राजवंश की उपलब्धियों का वर्णन होता है। इन ग्रंथों में अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी लिखी जाती है। अचलदास खिंचीरी वचनिका इसका एग्जाम्पल है। दवावैत, राजस्थानी के वे ग्रंथ हैं जिनमें उर्दू और फारसी शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है, दवावैत कहलाते हैं। इसमें किसी महापुरुष के दोहों के रूप में प्रशंसा की जाती है। नेक्स्ट है विगत, राजस्थानी भाषा में लिखे गए इतिहास के ग्रंथ जिनमें आर्थिक सामाजिक स्थिति का भी वर्णन होता है, वो विगत कहलाते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे इसकी बोलियाँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब एग्जाम जी चैनल।